हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। चॉय लेखा कुकिंग ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आलू गोभी का परोठा देके। इसमें लगता है 250 ग्राम मैदा, थोड़ा सा फूल गोभी, 3 पोटैटो बॉयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची 4, गोटा जीरा, धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, जीरा हलूद लौंका का गुड़ा और रिफाइंड ऑयल और इसमें 3 ऑनियन छोटा छोटा ऑनियन चॉपिंग करके रख दिया है और हरी मिर्ची भी छोटा छोटा करके चॉपिंग कर दिया। पहले आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम मैदा इसमें, उसके बाद थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, उसके बाद मैदा और नमक ठीक ढंग से मिक्स कर लूँगा। अभी थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा थोड़ा पानी देके मैदा को ठीक से घूम लेते हैं। देखिए आटा बन गया। अभी थोड़ा सा ऑयल मिक्स करूँगा उसमें, लास्ट में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके फिर घूमूंगा। इससे होता है क्या, इससे आटा सॉफ्ट होता है। देखिए अभी गूंदा हुआ मैदा तैयार है। अभी उसको एक कपड़ा से 15 मिनट के लिए कवर करके रख रहा हूँ। उसके बाद आलू को थोड़ा सा स्मैश कर लिया है। अभी कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा डाल रहा हूँ। उसके बाद तो सब गर्म होने दीजिए। उसके बाद जीरा दूंगा उसमें। थोड़ा सा बादाम भी, मूँगफली उसमें ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद अच्छा तरह मिक्स कर लूँगा। देखिए अभी लगभग गोभी भून ये पक गया है, अभी उसमें ऐड करूँगा प्याज। फ्लेम को एकदम धीरे करना होगा, नहीं तो उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अच्छा तरह भून लूँगा। अभी हरी मिर्ची ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद
पहले चाट मसाला, पहले चाट मसाला को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, जीरा का पाउडर, गरम मसाला का पाउडर सब ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद अच्छा तरह मिक्स कर लूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मिर्च सब पाउडर होता है ना, जो वो सब पाउडर को थोड़ा सा भूनना चाहिए। अभी आलू मिक्स कर रहा हूँ। अभी अच्छा तरह मिक्स कर लूँगा। लास्ट में स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिएगा। देखिए कैसे आलू गोभी का मिक्स्ड बन गया। उसके बाद धनिया पत्ता लास्ट में ऐड करूँगा। एक बार ध्यान रखिएगा, धनिया पत्ता को ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, सिर्फ लास्ट में दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स्ड करके बंद कर दीजिएगा। अभी आलू गोभी का मिक्सचर तैयार है। उसके बाद देखिएगा कैसे परोठा बनता है। देखिए वो जो आटा गूंदा था उसमें से 5 लीची बना। अभी उसको दिखा रहा हूँ कैसे पराठा बनता है। पहले हर लीची को मैदा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। उसके बाद देखिए उसके बाद बेल लूँगा। पहले ऐसे बेल लिया मैं। अब देखिए मैं इसमें अभी देखिए उसको साइड को थोड़ा सा दबा दूंगा। से हम लोग देखिए एक परोठा ऐसे करके बेल लिया। अभी दूसरा, अभी कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए दे दिया। अभी एक एक करके धीमी आंच में पाउडर तैयार करूँगा। ये है आलू का पराठा।